अदनान भी, अगर मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल प्ले कर रहे हैं। बाबर आजम के बारे में आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाएंगे? आज वैसे पर्सनली थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मैच देखने आए थे रनसी का सका। खैर, हीरो और जीरो साथ साथ चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान का बाबर आजम, और उसी को देखने आए थे। उसने बड़ी अच्छे पीछे मैच में इनिंग्स खेली, 101 रन किए उसने, और 101 मैचेस भी खेले और रन भी किए, और आज 102 दूसरा मैच था उसका 102, और आज जल्दी आउट हो गया। खैर, हीरो जो है ना किंग किंग ही है, और बाबर जो है वो ऑलवेज किंग है पाकिस्तान का, और बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। अल्लाह ताला उसको इसी तरह कामयाबी दे। उमर भाई परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अभी रिसेंटली, अगर देखें तो काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेज है, तो क्या लगता है कि ऐसे भाई, ये नहीं कि परफॉर्मेंस बेस पर, क्या लगता है कि उमर भाई को वापसी आना चाहिए टीम में या पाकिस्तान टीम में जगह बनती है? देखो, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और उमर की स्किल्स की बात करें या उसकी पावर रेटिंग की बात करें या उसकी बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान को वो सूट करता है T20 क्रिकेट में, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसकी ज़रूरत है तो ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें ठीक है, इंसान में जो चीज़ें होती हैं आप उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के उससे बात कर सकते हैं, आप उसके साथ प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर कि उसका क्या प्लान है, उसको अपने उस सिस्टम में दोबारा लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है उस जैसे बैट्समैन की। उमर जैसा भी है और बाकी भी प्लेयर हैं, तो जो भी उनके जो पाकिस्तान टीम को जिस प्लेयर की ज़रूरत है उसको बाकी चीज़ें सारी साइड पर रखे, उस टाइम उसको पाकिस्तान टीम में लेकर आना चाहिए, और सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए ही वो खेलता है और पाकिस्तान के लिए ही वो परफॉर्म करता है। रिसेंटली अगर बात करें तो मौजूदा क्रिकेटर्स में से कौन सा क्रिकेटर जो आपका फेवरेट है? बाबर की बात करें तो बाबर जो है वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है, और पाकिस्तान के लिए मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि उसने जितना परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब नंबर टू हो गया वो, जो 9 सेंचुरीज कर दी है T20 क्रिकेट में, नंबर वन है गेल है, पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजवान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लेट्स सी कि ये ऐसे बैट्समैन हैं पाकिस्तान के पास, तो बस मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। मिडिल ऑर्डर में उस तरह नहीं परफॉर्मेंस हो रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से, वो उमर है या कोई भी है, जो भी बेस्ट जो है प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के, उनको लेकर आएँ और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। नाम भी एक अरसे से जो फैंस हैं आपको स्क्रीन पर देखना चाह रहे थे, लेकिन आप अचानक से गायब हो गए हैं, क्या दोबारा वापसी आएंगे या नहीं? नहीं नहीं ज़रूर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, और जब भी मौका मिला पाकिस्तान से खेलना, क्योंकि हर क्रिकेटर की विश होती दोबारा खेलना, ऑलरेडी खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, पर जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी हम ज़रूर जो है खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अदनान भी, अगर रिसेंटली हमने देखा कि आपने कमेंट्री में बड़ा कमबैक किया, वहाँ पे फैंस आपके बहुत ज़्यादा मदाह हो गए हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो दोबारा वहाँ पे भी आपको देखेंगे? कमेंट्री के साथ, हाँ ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट पर बात करना थोड़ा डिफरेंट है, और उस पर भी थोड़ा वर्क किया है, और उसी चीज़ों को लेके चले जहाँ पे भी जो क्रिकेट, क्योंकि हम खेल रहे हैं ना, तो जहाँ पे हम सिखा सकते हैं किसी को क्रिकेट, विकेट कीपिंग सिखा सकते हैं, आप टेस्ट प्लेयर हैं तो विकेट कीपिंग जो टेस्ट मैचेस में खेलना उसमें बड़ा बड़ा आपके स्किल्स होनी चाहिए, तो कीपिंग का भी प्लेटफॉर्म आया उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, सिखा सकेंगे, कमेंट्री पे भी बात करते हैं और क्रिकेट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से फिर प्लान करते हैं। अच्छा अदनान भी, अगर कीपिंग की बात करें तो नो डाउट आप बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, कामी भाई भी इसी तरह, और दूसरा उमर अकमल भाई भी कीपिंग कर लेते हैं, तो एज ए विकेट कीपर आपका फेवरेट कौन सा विकेट कीपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम में? अच्छा, पाकिस्तान टीम की तरफ से वैसे अभी रिजवान बड़ा अच्छा कर रहा है, सरफराज बड़ा अच्छा कर रहा है, पर अगर मेरा कह लेना कि फॉर एवर जो विकेट कीपर, जो बेस्ट विकेट कीपर, जो मैं चाहता था कि उस जैसा विकेट कीपर बनूँ, उसी की चीज़ें लेके जो प्रैक्टिस करता था, वो मेरा था एडम गिलक्रिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट विकेट। उसकी जो स्किल्स थी, उसकी जो फीट मूवमेंट थी, और उसका बॉल को ग्रैप करना और स्पिनर्स पे कीपिंग करना और फास्ट बॉलर पे चल के बॉल पकड़ना, तो ये एक अच्छे विकेट कीपर की निशानी होती है, और उसी को अपना रोल मॉडल बनाया था, उसी को कंटिन्यू करते थे, वो कोशिश करते थे कि जैसा विकेट कीपर बने।